हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग को जहाँ पर मैंने एंड किया था गणेश चतुर्थी वाले दिन, उसी दिन ना शाम को एक पार्सल आ गया था मेरा, जो कि मैंने मीशो से बुलवाया था। 489 रुपीज़ कुछ 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 था। ये जो मैट्रेस चल रही है अभी, वाटरप्रूफ मैट्रेस, वो बुलवाई थी हमने हमारी बेड के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे पानी फैला देते हैं। वैसे तो वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे पी तो नहीं करते हैं बेड पे, बट फिर भी पानी वगैरह फैला देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं कभी कुछ, तो इसलिए बुलवाई थी। बट हुआ क्या कि हमारा जो बेड है ना, वो किंग साइज़ का है। सो ये जो आई है ना मैट्रेस, ये जो भी बेडशीट विथ कम मैट्रेस, सो ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई। तेज़ बारिश हो रही है एकदम से, कुछ भी नहीं बोल सकते मौसम का। चार बार आई, पहले कम आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। अब इतनी तेज़ सी बारिश हो रही, कभी 5:30 बज रही, पर देखिए अब कितनी तेज़ बारिश हो रही। सारी जो झांकी वगैरह निकलने वाली है, भी बहुत अच्छी झांकी, कुछ बैंड वगैरह आए बाहर से, वो सब निकलने वाले थे। सब मज़ा ही चला जाता है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं सब, समिति वाले और सब। इतनी बारिश में भी हमारे यहाँ पर मंकीज आ गए हैं, बहुत दिनों के बाद आए। पहले तो हर कभी आ जाते थे, आज तो, पर अभी इस साइड हमारे इधर नहीं आए, भी तो बहुत सारे थे। वहाँ बैठे हैं देखिए, सामने छत पर, और भी थे, पता नहीं कहाँ चले गए। एकदम से यहाँ ना आ जाए, देखिए बारिश तो अभी और होनी है। देखिए बादल कैसे हो रहे हैं काले काले उधर सामने की साइड पे, बड़े बड़े वो मंकी है। चल सब भी अंदर चल, एकदम से ना आ जाए। इतनी तेज़ सी बारिश हो रही थी ना कंटिन्यू, बहुत देर तक, 7 बजे तक करीब। फिर हम लोगों ने घर पर गणेश जी की आरती की, और पास ही में जो गणेश मंदिर है हमारे घर के पास में, और वो हमारी समाज का भी है, तो हमने सोचा वहाँ पर जाकर दर्शन कराते हैं। वैसे तो 12 बजे आरती वगैरह भोग प्रसादी सब होता है, बट उस टाइम पर तो आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर पर भी पूजा वूजा करने होते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे दोनों बच्चों को लेकर, और एक और गणेश मंदिर है वहाँ भी जाने के बारे में सोचा था, पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, झांकियाँ वगैरह निकल रही थी। पास ही में शंकर मंदिर था, सोचा वहाँ दर्शन कर लेते, तो पता नहीं क्यों वहाँ पर ताला लगा हुआ था अभी, ऐसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कोई नहीं था, इतना रश नहीं था। आज मार्केट में सब भीड़ थी, क्योंकि अच्छी अच्छी झांकियाँ निकल रही थी। तो फिर हम लोग इधर ना नदी के साइड में, काफ़ी अच्छा इन्होंने रेलिंग वगैरह लगा दी, तो अब खड़े होने में डर नहीं लगता, तो बस हम लोग वहीं खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए। वैसे भी रास्ता तो ब्लॉक हो रहा था बीच में, खूब सारी झांकियाँ निकल रही थी, डीजे वगैरह जा रहे थे, तो नदी तो उसके नदी के उस पार कभी क्या है कभी देखा ही नहीं इतने ध्यान से, क्योंकि खड़े हुए ही नहीं वहाँ जाकर फ्री होकर। तो आज कोई नहीं था, तो हम लोग आराम से खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, बच्चों को भी बता रहे थे ये कुछ ना कुछ अपने बचपन का। तो बस थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके होंगे, और फिर वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर और था, हमने सोचा वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, बट वहाँ भी ताला लगा हुआ था। बस हम लोगों ने बाहर से ही पैर वैर पड़े, और फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आए उसके बाद में फिर हम लोगों ने वही सब खाना वाना खाया, और इस तरह से रास्ते में देखिए पूरे डीजे डीजे हमें मिले। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे संडे को, ऋषि पंचमी थी, तो ये जो आदि झड़क का जो पौधा होता है उसकी 108 डंडियाँ इस तरह से लेकर उससे नहाया जाता है, तो वो मम्मी ले आए थे, तो हम लोगों ने बस उसी के 108 डंडियाँ काट कर उससे नहाए थे, और इसी से दातून करा जाता है, और ये जो पत्ते होते हैं ना इनकी पूजा की जाती है। ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 9 के लगभग समय हो रहा था, हम लोगों ने फटाफट चाय वाय पी और बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह सेके थे, तो वो खाकर फिर हमें रेडी होना था। आपको भी दिखाऊं, आपको दिखाऊं मैं, देखो देखो देखो, बस इसे खाओगे, इसे दिखाना है, और क्या दिखाना है, क्या दिखाऊं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज है ऋषि पंचमी, तो हम लोगों के यहाँ ऋषि पंचमी भी होती है, मैं ही करने वाली हूँ अभी, मम्मी तो करते ही नहीं है। मम्मी कल रात को आ गए हैं, तो वो रात को लेट आए थे थोड़ा, और उनको काफ़ी टाइम लग गया, हमारे यहाँ रोड ख़राब है, मतलब बन रहा है, तो इस वजह से तो अब हम लोग तो नहा धोकर रेडी होकर, करीब 10:45 बजे है, और हम लोग जहाँ पूजा करने जाएंगे वो 1 बजे से होगा पूजा, तो देखो 1 बजे तक जाऊँगी, तब तक मैंने सोचा फटाफट से खाना वाना रेडी कर दूँ। मुझे तो ये खाना नहीं, आज से पकड़ खाई जाती है, कितनी बार भी खा लो फास्ट नहीं रहता है, कितनी बार भी खा लो बस पकड़ खाई जाती है, और कुछ नहीं खाया जाता है। और जब तक मैंने सोचा बच्चे नहीं है, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, नहा धोकर सब रेडी है, हम उनका ही वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो हम गणपति जी की आरती करें, तो वो लोग आते हैं फिर हम लोग करते हैं आरती। के समथिंग समय हो गया है, और मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने जाने के लिए, और मैंने तैयारी भी सारी कर ली है अपनी, ये सब तैयारी करके रखी है यहाँ पर, बस लेकर
जाना है। ये देखिए बस फिर हम जाते हैं। अब कितनी क्या देर लगेगी वहाँ पर पता नहीं है। सभ्या को ले जाऊँगी अभी तो मैं अपने साथ, सो क्योंकि सामान ज़्यादा है थोड़ा सा पकड़ के ले जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। बस फिर हम पहुंच गए थे मंदिर। तो इस तरह से ग्रुप्स में बिठा देते हैं, पूजा कर लेते हैं। थाली में सब गणेश जी बैठे हुए थे, सप्त ऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति जो है वो बिठा दी गई थी। उनकी हम लोगों ने पूजा की, पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजन करवाई थी सबसे पहले, और उनका विधिवत अभिषेक हुआ, फिर उनका पूजन हुआ, फिर उनकी आरती हुई, उसके बाद फिर सप्त ऋषियों की पूजा हुई, अरुंधति की पूजा हुई। इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो वैसे हम लोगों ने कभी, मतलब मेरे मायके में कभी हम लोगों ने इस टाइप से पूजा नहीं की। यहीं पर हम 3 साल से इसी वाली पूजा कर रहे हैं, और ये जो पूजा होती है ना मेनली हमारे पीरियड्स से रिलेटेड होती है, ये पूजा करनी ही चाहिए ऐसा बोला जाता है जब से आप पीरियड्स से होने लगते। बस वहाँ पर पूजा वूजा की, फिर हुई आरती, आरती वगैरह कर फिर एक दूसरे के बड़े के पैर वैर छुए, और फिर सब लोगों से मिले। एक दो लोग और थे परिवार के, वो दूसरी तरफ बैठे हुए थे। फिर मैं आ गई थी घर, करीब 2 घंटे ही लग गए थे, 1 बजे के समथिंग गए थे, 3 बज रही थी जब आए, और आई तब ये देख प्रेस कर रहे थे, और आई उसी के तुरंत बाद ही ना लाइट चली गई। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना बस कभी। और आज बनता है मोरधन, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, तो नीचे चाची ने बनाया था, तो जो पूजा है उन्होंने मुझे भी दे दिया था, नहीं तो मैं अकेली होती ना तो मैं बनाती भी नहीं और ना खाती। इतना गर्म था, एकदम से गर्म गर्म सा मैंने खा लिया, वैसे इतनी गर्मी हो रही थी और सब गर्म गर्म वो खा लिया फिर मैंने। तो बस उसके कुछ 1-2 फोटोज़ है वहाँ के, मैं आपके साथ शेयर करूँ। हम सब जो ग्रुप्स में बैठे हुए थे तब की पूजा कर रहे थे सबकी, और ये जो ऊपर टंगा हुआ दिख रहा है ना, ये ज़रूरी होता है, इसके बिना पूजा नहीं होती। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।